लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी दुनिया में तब बहुत पॉपुलर हुई जब दुनिया भर से लड़कियां आइसिस के जंगजू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ मिली, लेकिन भारत में इस टर्मिनोलॉजी की गूंज पुरानी है। अलबत्ता रीसेंट दिनों में ये गूंज बढ़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पर एक वाकया जो हुआ एलिजली जो किया जा रहा है, मंसूब आफ्ताब पूनावाला ने एक एलिजली मर्डर किया, तो उसमें फिर ये डिबेट एक बार छिड़ी। आज हमारे साथ भारत से एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, जिनका अपना यूट्यूब का चैनल बहुत ही वाइब्रेंट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सूरत हाल क्या है। मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ दिल्ली से अंबर ज़ैदी साहबा का। जी अंबर, सिचुएशन बड़ी दुख भरी है। टर्मिनोलॉजी कोई भी हो, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत बुरी हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत की कुछ स्टेट्स में तो लॉ भी बन रहा है। हमें और हमारे व्यूअर्स को समझाइए, एक मुस्लिम लेडी इंडिया और प्रोग्रेसिव मुस्लिम लेडी होने के नाते आप लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी को कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी, आपने अपने शो पे बुलाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो सवाल आपने किया था उससे अगर हम शुरुआत करें, लगभग 10 साल से भी ज्यादा साल पहले ये लव जिहाद को लेकर जब केरला में मास स्केल पे क्रिश्चियन लड़कियों का कन्वर्जन हुआ, तो क्रिश्चियन जो चर्च जो मिशनरीज थी, चर्चेस थे, उन्होंने इस बात का नोटिस लेते हुए कोर्ट में केस फाइल किया, क्योंकि मास स्केल पे कन्वर्जन हो रहा था। और फिर जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने एनआईए को कहा कि आप इसमें जांच कीजिए, और उस जांच में ये सामने आया कि सेम पैटर्न पर सेम मेंटोर के द्वारा पर्पसली धर्म परिवर्तन के इरादे से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और ये जब सामने आया तो ये लव जिहाद की टर्म वहीं कहीं से उसी दौरान निकल कर आई है, केरला हाईकोर्ट ने दी, एनआईए की रिपोर्ट में आई, ये कुछ क्लियर नहीं है कि किसने दिया, लेकिन ये उसी दौरान ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई। लेकिन एक बात ये है कि वहां से शुरू हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो रहा था भारत में, तो मुझे लगता है 1000 साल से भी ज्यादा अगर हम करें तो ये पूरा इतिहास सामने आएगा। लेकिन जो रिसेंटली चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत कंसर्निंग है। और आपने जैसे कहा कि भारत में कई सारे स्टेट्स में, इनफैक्ट हमारे 11 जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना हुआ है, लेकिन अभी इनफैक्ट कल ही जो फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर हमारे उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डली हुई है, उसकी सुनवाई हुई, उससे पहले 4-5 दिन पहले भी हुई थी, लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने भी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जिस तरह से जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पर जो डेमोग्राफिकल इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उन सारे एरियाज में हिंदू हैं उनको पलायन करके दूसरे स्टेट्स में, दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बन रही है। कई अलग अलग मेजर्स और मीन्स से धर्म परिवर्तन जो सामने आ रहा है वो भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया है कि अगर इस तरह की चीजें बढ़ती रही तो डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। आपने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सोशल फैब्रिक के लेवल पे देखें तो जहाँ भी मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते होंगे, जैसा कि हमारे कनाडा में भी है और पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है, तो जाहिर है लड़के लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे से मिलने मिलाने के प्रोसेस में। और क्या वो जो एक नेचुरल अमल था जो भारत में सदियों से चला आ रहा है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही थी, तो अब ये क्या ये इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस अब के कॉन्टेक्स्ट में हैं वो कैसे लव जहाद के जुमरे में आती हैं, ये एक एस्पेक्ट आप कैसे देखती हैं? देखिए ताहिर साहब, हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं तो उस एक्ट के अंदर आप अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल इंटरफेथ मैरिजेस पे है ही नहीं,
आप धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी को लालच देकर, पहचान छुपाकर, जबरन किसी भी जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन के इरादे से उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो ये लव जिहाद की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान और गौरी ने शादी की तो वो लव जिहाद है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं भारत में जो अलग अलग धर्म के होते हैं और वो आपस में शादियां करते हैं। हम किस तरह से उन शादियों को रोक सकते हैं? और सवाल उन पे है ही नहीं, सवाल उन पर है जो लोग पहचान छुपाकर लड़कियों को टारगेट करते हैं सिर्फ इस इरादे से कि उनका बाद में जाकर धर्म परिवर्तन कराया जा सके। या फिर अगर हम बात भी करें, जैसे कि मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर ये सारी बात पॉपुलरली हो रही है और होती भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अफवाह होती है, डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जो कोर्ट्स में केसेस हैं, या फिर मीडिया रिपोर्ट्स, वही मीडिया में वही रिपोर्ट्स आती हैं जो कोर्ट में केसेस जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि पहचान छुपाई, दोस्ती की, फिर प्यार हो गया, फिर शादी करने की बारी आई तो पता चलता है कि ये मुसलमान है, फिर तब तक रिश्ता आगे बढ़ जाता है। फिर या फिर अगर ऐसा भी होता है कि अगर लड़का लड़की, लड़की ओके भी होती है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल रिलीजियस प्रेशर होता है मुस्लिम कम्युनिटी में कि जब तक कन्वर्ट नहीं होगी लड़की तब तक निकाह नहीं होगा या आपकी शादी जायज नहीं होगी, आपने अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर भी ली तो आपके बच्चे हराम होंगे, इस तरह की जो मॉरल पुलिसिंग होती है या एक सोशल रिलीजियस प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो वो यूथ को इस तरह की चीजें करने पर मजबूर कर देता है, और जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पूरी कम्युनिटी पे खड़े कर देता है। जब हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की या भारत की मिली जुली कल्चर की, तो उसमें तो अगर उस पर तो रुकावट है ही नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप किसी को भी प्यार मोहब्बत हुआ है इंटर रिलीजन या इंटरफेथ में तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेशर होता है कि आपको पहले धर्म परिवर्तन ही करना है फिर शादी हो सकती है, वहां पे प्रॉब्लम निकल कर आती है। अच्छा, एक तो मामला ये है कि बहुत सारे केसेस हमने देखे कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, और उसमें आप ये कह रही हैं कि कई ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें पहचान अपनी छुपाई जाती है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल ऑपोजिट भी देखते हैं कि जैसे मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो भी हिंदू लड़कों के साथ उनके रिलेशनशिप होते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, फिर उनकी शादियां भी हो जाती हैं। उस सिलसिला में भी कुछ ना कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं, फैमिली का प्रेशर आता है। तो वो जो सिनेरियो है कि जहाँ पे मुस्लिम लेडी है और हिंदू लड़का है, तो उसको भी लव जहाद की कैटेगरी में रखा जा रहा है, अगर उसमें भी कोई इंटेंशन ऐसी हो कन्वर्जन की या कोई ऐसी बात हो। देखिए, सवाल लड़की या लड़के का है ही नहीं, सवाल ये है कि कोई भी मुसलमान लड़का या लड़की किसी हिंदू लड़के या लड़की को या किसी और धर्म के लड़की या लड़के को टारगेट करता है। और मुसलमान में तो चाहे लड़की शादी करे के बाहर या लड़का शादी करे बाहर, कंडीशन यही होती है ना कि पहले आपको इस्लाम कबूल करना है, उसके बाद आपकी का निकाह जायज हो सकता है, आपकी शादी जायज होगी। अगर आपने नहीं की तो आप कहते हैं आपके आपकी शादी हराम है, आप हरामकारी कर रहे हैं, आप जिना कर रहे हो और आपके बच्चे हराम हैं। तो ये केसेस सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बोला जाता, लड़कियां भी इस तरह के केसेस, लड़कियों के लिए भी कई सारे केसेस सामने आए हैं। तो चाहे लड़का करे या लड़की करे, वो उसी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। जी, बड़ी है, आपने अहम बात की। आपने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट है एक, और दूसरी तरफ इंटेंशनल लव जिहाद है। तो इस वक्त भारत में आप एक एक्टिविस्ट, राइटर, व्लॉगर होने के नाते, ये जो इंटेंशनल लव जिहाद है, इसको किसी मूवमेंट की सूरत में देखती हैं, या ये एक लोन केसेस हैं जो इंस्पायर्ड हैं, ये क्या सूरत है? देखिए, जिस तरह से ताहिर साहब केसेस सामने आते हैं, मास स्केल पे केसेस सामने आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले 4-5 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है कि एक दिन में 7 केस रिपोर्ट हुए और मीडिया में ही सारे मामले रिपोर्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं केरला की बात करते हैं, वहां पे हजारों की संख्या में इस तरह के केसेस मिल जाएंगे आपको। जितने भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसे केरला से तो ये शुरुआत हुई थी, उसके अलावा झारखंड है, यूपी है, या फिर हम पंजाब की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनमें इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और
इनफैक्ट हमारे यहाँ 11 स्टेट्स में इसको लेकर कानून भी बन चुका है, और अब सेंटर में इसको कानून बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से केसेस अलग अलग स्टेट्स में बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर ये कंसर्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कुछ ठोस कानून बनाने की जरूरत है, ताकि सबको अक्रॉस द कंट्री वो प्रोटेक्शन मिल सके अगर किसी को गलत इरादे से शादी करने के लिए या धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी के लिए फंसाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बुरी इंटेंशन के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप उनका धर्म परिवर्तन ही कराना चाहते हैं, क्योंकि तो मुझे लगता है गलत है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, इनफैक्ट जिस श्रद्धा केस की आपने स्टार्टिंग में बात की, उसमें जो श्रद्धा के फादर हैं उन्होंने इनिशियल स्टेज पे ही ये कंसर्न दिखाया कि ये मैटर लव जिहाद का लेकर हो सकता है, तो पुलिस इस पूरे केस में इस एंगल से भी जांच करे। अभी जांच चल रही है, पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है आफ्ताब का, लेकिन उसमें पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है अभी तो वो एक, क्योंकि काफी लंबा टाइम लगेगा उसमें, बाद में चीजें क्लियर होंगी कि पुलिस ने क्या क्या जांच की और क्या रिजल्ट निकला, लेकिन पुलिस काफी मुस्तैदी से काम कर रही है पूरे इस केस में। तो ये एक बात है जिसको लेकर उन्होंने कंसर्न दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी कई सारे केसेस सामने लगातार आ रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई नेक्सेस है। जैसे कि केरला में भी जो कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में जो केस गया था, उसमें भी ये सामने आया था कि एक सेम पैटर्न पर कहीं ना कहीं एक ग्रुप इसको पूरे उसको मैनेज कर रहा है, या फिर हैंडल कुछ कोई लोग कर रहे हैं जो इस तरह की चीजें लालच देकर लोगों को करवाते हैं। इनफैक्ट प्राइस भी तय होते हैं कि अगर आपने ब्राह्मण की लड़की टारगेट की या उसको कन्वर्ट किया, उसकी उम्र इतनी हुई तो इतने लाख, राजपूत हुई तो इतने लाख, इस धर्म और जाति के हिसाब से एक प्राइस की कैटेगरी सामने आती है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह की चीजें करा रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं डेफिनेटली। देखिए, आपने बात की कि इस बात के भी इम्कानात हैं कि उसमें इवन प्राइस लगाई जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है कि आप इस तरह की फैमिली की लड़की को टारगेट करेंगे तो आपको इस तरह पैसे मिलेंगे। तो जैसे हम इस आफताब पूनावाला के केस को मिसाल बनाते हुए सूरत हाल को जानना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये जो एक वायलेंस का ट्रेंड है, जो औरत को नीचा दिखाने का एक रवैया है एक खास कम्युनिटी के अंदर, वो सिर्फ उसका ही शिकार हो रही हैं बच्चियां, वो लव जहाद का नहीं है, या फिर ये कोई मिक्स है, लव जहाद भी है, वायलेंस का भी एटीट्यूड है, और ये सारी सूरत हाल आप कैसे देखती हैं? देखिए, वॉयलेंस या फिर किस तरह से अपनी वाइफ्स को ट्रीट करना होता है, ये तो बेसिक सबको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आ रहे होते हैं, लेकिन ये लव जिहाद एक अलग है। और वॉयलेंस जो एक औरत को डोमेस्टिक वॉयलेंस कह लें, या किस तरह की चीजें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, मुझे लगता है कि ये एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से अगर हम इसको मिला के देखें, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है कि लड़कियों को जो रिपोर्टेड केसेस, या तो ISI में सेक्स स्लेवरी के लिए भेज दिया जाता है, या फिर उनको जैसे कि श्रद्धा के टुकड़े हुए, कितने सारे केसेस ऐसे हुए कि मारकर गाड़ घर में ही गाड़ दिया या फिर जला दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें जो अंत होता है वो मौत होता है। तो कहीं ना कहीं या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो दो तीन पैटर्न हैं जिसके ऊपर हमें दो दो तीन तरह से केसेस मिलते हैं। एक पैटर्न ये हुआ कि फिजिकली उनको अब्यूज किया या सेक्सुअली अब्यूज किया, और दूसरा ये कि उनको बिल्कुल उनको मर्डर कर दिया, मार दिया अलग अलग तरीकों से, मार के टुकड़े कर दिए, मार के गाड़ दिया, मार के जला दिया। ये दो पैटर्न के केसेस सामने आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिले जुले हैं, और इसके पीछे क्या मानसिकता है ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन
इस पे जब भी बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केस को लव जिहाद का नाम दे देते हो, जो कि मुझे लगता है कि इस तरह से किसी भी इतने जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू है उसको इस तरह से टाल देना कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उससे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। हम जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस पर कुछ काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सिचुएशन बेटर हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ काफी चीजें पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ऐसी हुई है, इस तरह के मुद्दे जो कि इररेलेवेंट होते हैं उनको बहुत बड़ा बनाकर, बड़ा चढ़ाकर मीडिया में ऐसा पेश किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है या खाई की हम बात करें वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरह के केसेस जब लगातार मीडिया में रिपोर्ट होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, और फिर जो लोग टीवी डिबेट्स में आके इन सारे मसलों पर बहुत ही कैजुअली बात करते हैं कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एजेंडा कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी सीरियसनेस सामने आती है कि वो कितने नॉन सीरियस हैं इन सारी चीजों को लेकर। और जो हमारे देश में लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि सारे ही लोग ऐसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इसको सुलझाया जा सके। और इंटरफेथ मैरिजेस पे तो कोई सवाल ही नहीं है, उस पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता, सवाल सिर्फ और सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन के इरादे से जो टारगेट किया जाता है लड़कियों को या लड़कों को, सिर्फ सवाल उसी को लेकर है। देखिए, आपने कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस को कोई रोक नहीं सकता, उसकी तो प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन आपने पीछे ये भी कहा कि चाहे मुस्लिम लड़की हो चाहे मुस्लिम लड़का हो, उसकी अगर शादी प्रिसाइजली हिंदू के साथ होगी या सिख के साथ होगी तो उसको अपने कम्युनिटी में, अपने ख़ानदान में यही समझा जाएगा कि भाई दूसरे पार्टनर को कन्वर्ट किए बगैर आप ये हरामकारी का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो इंटरफेथ मैरिज की प्रोविज़न मौजूद है, मगर दूसरी तरफ जो माइंडसेट मौजूद है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का, तो इस दोनों चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है जिनकी प्रॉब्लम है, जिनके दिमाग में इस तरह की चीजें, उनको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर हम देश की बात करें तो देश में तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह के प्रोविजंस मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल करके आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन जब सवाल आता है एक सोशल रिलीजियस माइंडसेट का, जिसकी वजह से आफ्ताब जैसे माइंडसेट क्रिएट होते हैं और जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाकर इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, और जो केसेस हमारे देश में हजारों लाखों की तादाद में आए हैं सामने, वो इस माइंडसेट का ही उनका पूरा ये कहते हैं पूरी पूरी देन है। और नेक्सस तो काम करते ही हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल केसेस पे भी जाएं तो कहीं ना कहीं जो सोशल रिलीजियस प्रेशर होता है और वो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का करने पे मजबूर हो कर देता है, क्योंकि हमारे यहाँ हराम और हलाल बहुत ज्यादा करते हैं हर चीज में, ये हराम है वो हलाल है, ये जायज ना वो नाजायज, जिना हराम कारी एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत डरते हैं, और उस डर में वो समाज से तो कोई लड़ाई कर नहीं सकता, समाज को तो फेस नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे पे जो इंसान आपसे प्यार करता है उसके ऊपर प्रेशर बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, क्योंकि आपको आपके समाज के आगे आपको अच्छा दिखना है। और इनफैक्ट एक और चीज आती है जिसमें हमारे कुछ ऐसे केसेस में सामने आता है कि आपने अगर किसी को मुसलमान किया तो आपने आपको जन्नत मिलेगी एंड ऑल दैट, तो वो भी एक लालच होता है कि अरे मैंने एक लड़की या एक लड़का मुसलमान किया तो अब तो मेरी जन्नत पक्की है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जो इस तरह की जो मानसिकता है उसको बढ़ावा देते हैं। ये सारी चीजें हमें प्रीच करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वो तो सब पे बराबरी से लागू होता है। और धर्म की बात आती है, धर्म भी एक इंडिविजुअल का राइट है, वो किसको कौन सा धर्म मानना है और किस तरह से शादी करनी है, ऑल दैट ये आपके अधिकार है। लेकिन हम जब इस तरह के धर्म की बात करें कि आपको मेरा ही धर्म मानना होगा, तभी तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोडिक्टिव है और बहुत गड़बड़ क्रिएट करता है समाज के अंदर। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हम लोगों को समझकर हमें एड्रेस करनी पड़ेगी विद इन द कम्युनिटी। और जब तक हम सोशली सोशल एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे इंटरफेथ मैरिजेस के लिए, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी।
देखिए, आपने सेकुलरिज्म की बात की, भारत में सेकुलरिज्म का चर्चा वैसे तो 70-75 सालों से हो रहा है, मगर मुझे यूं लगता है जैसे सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाले ठीक से समझते नहीं। आपने दुरुस्त कहा कि सेकुलरिज्म की मानी तो ये है कि अगर इंटरफेथ मैरिज हो भी गई तो आप किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप उस पर दबाव नहीं डालेंगे, ये है ट्रू सेकुलरिज्म। मगर जो सेकुलरिज्म आज हम मीडिया में देख रहे हैं या जो कोट अनकोट लिबरल फोर्सेस भारत में हमें बता रही हैं, वो इस तरह का कोई भी केस होता है तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली अटैक जो है हिंदुत्व फोर्सेस पर करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी अब भारत में टॉलरेंस नहीं रही। हालांकि जो आप हमें समझा रही हैं, जो हमें भी कॉमन सेंस पे समझ आ रही है, ये जो मीडिया के सो कॉल्ड लिबरल लोग बनते हैं, ये तो लिबरल हैं भी नहीं, ये तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप इस एंगल को कैसे देखती हैं? हमारे यहाँ भारत में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, और मुझे कुछ भी करने की आजादी है और मैं तो आप उसको सहते रहे, आप कहें कि भाई आप मेरे मेरे भी धर्म का सम्मान करो, मेरा भी ओपिनियन एक्सेप्ट करो, उसका सम्मान करो, तब गड़बड़ हो जाती है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आप धर्म जाति से ऊपर उठकर सोशली एक जैसे हो, सबके अधिकार एक जैसे हो। ऐसा नहीं कि सारे धर्मों को आप समान इम्ब्रेस करें या इस तरह, धर्म तो सेक्युलरिज्म में आता ही नहीं है। आप धर्म से ऊपर उठकर जब आप एक कम्युनिटी के लिए एज कंट्री या ह्यूमैनिटी के लिए आप सबको इक्वल राइट वो सारी चीजें इम्ब्रेस करते हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग ही चीजें पढ़ाई सिखाई गई है इतने समय से, और जो कि मुझे लगता है कि उसको रियल डेफिनेशन को पढ़ने और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें कोर्स करेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है और मुझे लगता है चीजें और ठीक होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को, जैसे कि लव जिहाद, इंटरफेथ, लव जिहाद तो छोड़िए लेकिन जो मुद्दा है वो है, लेकिन इंटरफेथ मैरिजेस की जब हम बात करते हैं उनको जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, जब तक आप एक दूसरे के धर्म और जाति को कम और छोटा नहीं समझना बंद करेंगे, तब तक ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। और क्योंकि नजस पाक हराम हलाल ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यंग माइंड्स के ऊपर इस तरह का प्रेशर बिल्ट अप होता है और तभी से ये इस तरह की साइकी डेवलप होती है, जो कि जहां पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आखिर में दो बातें आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम समाज में इन रियलिटीज को जिनका इदराक आप कर रही हैं, जिनको रियलाइज आप कर रही हैं, क्या ये जो रियलाइजेशन है मुस्लिम समाज में कोई बढ़ रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा तो कैसे इसको बढ़ाया जाए? देखिए, रियलाइजेशन तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब तक लगातार इस पर डायलॉग नहीं होगा, एड्रेस नहीं होंगी चीजें, और तो तब तक लोग समझेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले तो ये सारी चीजें एड्रेस होती ही नहीं थी। अब एटलीस्ट इस पर बात होती है, खुलकर बहस होती है, तो लोगों को पता भी चलता है किस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन जब तक हमें अपना प्रोस्पेक्टिव तो अच्छा लगता है, हमारा ओपिनियन भी ठीक है, हमारी जायज नाजायज चीजें ठीक है, हम दूसरों पर थोप दें ठीक है, हमें दूसरे ने बोला ही नहीं कि भाई उसको कितनी चीजें सही लगती हैं, कितना वो सामने वाला कहाँ तक उसके अधिकारों में हम अपने अपना दाखिल कर रहे हैं, तो अब तक किसी ने बोला ही नहीं। तो अब वो सारी चीजें बोलना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे लोगों को, जब जो इनटॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं या फिर हिंदुत्व पे जो सपोजिटली बात होती है, अब जब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने ओपिनियन रख रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हिंदुत्व या इनटॉलरेंस कहने की बजाय हमें समझना चाहिए कि इतने टाइम से जो एक तरफा सेक्युलरिज्म चलता आया है अब उसको खत्म होना पड़ेगा और हमें जो ट्रू सेक्युलरिज्म है उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा फॉर द गुड ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा इतना पुराना इतिहास रहा है और आगे हम सारी चीजों को बेहतर बना पाए उसके लिए जरूरी है, और एज सिटीजन ऑफ द कंट्री और सबके लिए बराबरी से लागू होता है कि आप उसको सही समझकर और चीजों को सही से आप समझकर इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे और कोई रकस क्रिएट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं फिर बड़ा बन जाता है, इंटरनेशनल मीडिया वेस्ट सब उसमें आके अपनी नाक घुसेड़ देते हैं और वो बड़ा राय का पहाड़ बन जाता है और सब जो कि इंतजार में बैठे रहते हैं इंडिया को गाली देने के लिए,
उनको मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि सबको बराबरी से सोचने की जरूरत है कि किन मुद्दों को कितनी हवा देनी है और कौन से मुद्दे हमें धर्म, जाति और इस तरह के जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उनसे ऊपर उठकर हमें ह्यूमैनिटी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। बहुत आखिर में जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इस इशू को हैंडल और टैकल करने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, और आप क्या समझती हैं कि कितना दुरुस्त कर रहे हैं और कितना उनको मजीद करना चाहिए? देखिए, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वो लोग खुलकर जो फोर्सफुल कन्वर्जन है वो चाहे किसी भी मीन्स से किया जाए उसको लेकर वो बहुत क्लियर हैं और अपनी बात लगातार, मुझे लगता है उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और पार्टी भी, वो लगातार वो क्लियरली रखते हैं और बहुत ही उनकी मुखर राय है इस पे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत इरादे से, धर्म परिवर्तन के इरादे से अगर कोई शादी की जा रही है जो कि गलत है। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो लगभग 11 स्टेट्स हैं उनमें कानून बन चुका है और अब आगे ये मांग की जा रही है, जिसको जिसको लेकर मैंने बताया था, पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जिसपे सुनवाई हो रही है लगातार, वो ये है कि सेंट्रली इस तरह का कानून हो जो कि अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट हो और सबको बराबर प्रोटेक्शन मिले उस कानून के अंतर्गत, क्योंकि ये सारी चीजें लगातार अलग अलग स्टेट्स में बढ़ती जा रही है जो कि एक चैलेंज बड़ा खड़ा कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश के सामने। बहुत शुक्रिया अंबर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव इशू पे बहुत ही वाइजली आपने अपनी ओपिनियन की। थैंक यू वेरी मच। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे दिल्ली से आप अंबर जैदी साहिबा की, और लव जहाद, फोर्सफुल कन्वर्जन, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे प्रिसाइजली हिंदू कम्युनिटी, सनातनी कम्युनिटीज़ गुजर रही हैं, और इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस सिलसिला में काम करने की ज़रूरत है और कम्युनिटीज़ को भी काम करने की ज़रूरत है। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और अंबर जैदी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसी चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए। एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.